नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएम। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण ने दुनिया भर में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है और भारत में भी लगातार पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं और आंशिक लॉकडाउन की बात भी कही जा रही है। ऐसे में सबसे पहले इस वेरिएंट का पता लगाने वाली डॉक्टर एंजेलिक कोएत्ज़ी ने कहा है कि वायरस हर जगह है और बाजार बंद करने से काम नहीं चलेगा। ओमिक्रॉन के हल्के लक्षण वाले रोगियों को भी उपचार की आवश्यकता होती है, भले ही उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता ना हो। बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहली बार दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि चिंतित करने वाले करार दिया था। अब लगातार बढ़ रहे इसके संक्रमण को रोकने के लिए कई देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं। भारत में क्रिसमस नए साल की छुट्टियों के दौरान ओमिक्रॉन के मामलों में वृद्धि को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर एंजेलिक कोएत्ज़ी ने एक न्यूज चैनल को उन सबसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए हैं जो ओमिक्रॉन को लेकर ज्यादातर लोगों के मन में है। यदि परिवार में एक व्यक्ति संक्रमित है तो क्या अन्य सुरक्षित हैं? ओमिक्रॉन की घरेलू संचरण दर अधिक है। यदि 7 लोगों के परिवार में एक व्यक्ति इससे पॉजिटिव हो जाता है तो मानकर चले कि यह अन्य व्यक्ति को भी संक्रमित करेगा। क्या हल्के संक्रमण वाले रोगियों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है? हल्के लक्षणों वाले मरीजों को भी उपचार की आवश्यकता होती है, भले ही उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता ना हो। वायरस तेजी से फैल रहा है। आईसीयू में भर्ती अधिकांश कोविड रोगियों का टीकाकरण नहीं हुआ है, जबकि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उनमें हल्के लक्षण हैं। क्या ओमिक्रॉन दूसरों के तुलना में कुछ लोगों के लिए अधिक खतरा है? वायरस संक्रमण को कम नहीं आंका जा सकता। यदि आप अधिक वजन वाले और बिना टीका लिए हुए शख्स हैं तो ओमिक्रॉन आपको परेशान करेगा। ओमिक्रॉन के सामान्य लक्षण क्या है? ओमिक्रॉन की शुरुआत मांसपेशियों में दर्द से होती है। इसमें शुरुआती लक्षण खांसी और बुखार नहीं है। पीठ के निचले हिस्से में दर्द नए लक्षणों में से एक है। खांसी की तुलना में मांसपेशियों में दर्द इसका मुख्य लक्षण है। अन्य लक्षणों में शरीर में दर्द, थकान और सिरदर्द शामिल है। बाहर जाना कितना सुरक्षित है? बाजारों को बंद करने से काम नहीं चलेगा। टीके हमारी रक्षा करते हैं, हमें वायरस से बचकर रहने की जरूरत है। अगर अस्पतालों में अधिक मरीज दिखाई देते हैं तो हमें फिर से सख्त कदम उठाने की जरूरत होगी। क्या कोविड और निमोनिया के बीच कोई संबंध है? ओमिक्रॉन वेरिएंट ऊपरी सांस लेने की प्रणाली पर हमला करता है, आपको निमोनिया भी हो सकता है, हालांकि इसमें ज्यादा मामले हल्के पाए गए हैं। क्या इसमें लॉकडाउन काम करता है? त्योहारी सीजन के बाद मामलों में वृद्धि की आशंका है। लॉकडाउन काम नहीं करेगा, वायरस हर जगह है। अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग करें, बाजार बंद करना काम नहीं आएगा। हमें वायरस के साथ लेकिन उससे बचकर रहने की जरूरत है।